हाय गाइज, मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। निकॉन यूजर्स, जितने फोटोग्राफर्स भाई लोग हैं, चाहे DSLR यूज कर रहे हों या मिररलेस यूज कर रहे हों, जब आप फोटो कैप्चर करते हैं, आपके फोटो कैप्चर करने के बाद कुछ सेकंड के लिए वो फोटो आपके मॉनिटर पे प्ले हो जाता है, दिखाने लगता है। उसको अगर आपके कैमरे पे नहीं हो रहा है, या उसे ऑन करना है या ऑफ करना है, देखना है या उसे हटाना है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कैमरे का मेनू बटन आप प्रेस करेंगे, मेनू बटन प्रेस करने के बाद फोटो शूटिंग मेनू का ऑप्शन खुलेगा। फोटो शूटिंग मेनू के ऑप्शन पर जाने से ऊपर देखेंगे आप, प्लेबैक मेनू का ऑप्शन होगा। प्लेबैक मेनू के ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, प्लेबैक फोल्डर का ऑप्शन है, प्लेबैक डिस्प्ले का ऑप्शन है, इमेज रिव्यू यानी पिक्चर रिव्यू का ऑप्शन है। बहुत सारे कैमरों में, चाहे DSLR हो, मिररलेस हो, जो कैमरे हैं कुछ में इमेज रिव्यू लिखा होता है, कुछ में पिक्चर रिव्यू लिखा होता है। पिक्चर रिव्यू पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑन मॉनिटर ओनली ऑफ का ऑप्शन है। ऑफ पे आप कर देंगे तो जो भी फोटो आप कैप्चर करेंगे वहाँ पे पिक्चर रिव्यू नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे आप इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद चाहे मॉनिटर कर लीजिए या ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद आपको पिक्चर रिव्यू दिखाने लगेगा। जो ये दो ऑप्शंस दे रखे हैं, मॉनिटर प्लस ऑन का ऑप्शन, मॉनिटर पे अगर आप जाते हैं तो मॉनिटर पे सिर्फ ओनली मॉनिटर पे दिखाएगा। जो भी व्यूफाइंडर के थ्रू भी देख करके अगर फोटो कैप्चर करेंगे तो इमेज रिव्यू हो जाएगा मॉनिटर पे। अगर ऑन का ऑप्शन आप करते हैं तो आपके मॉनिटर प्लस व्यूफाइंडर दोनों पे इमेज रिव्यू होकर के दिखाने लगेगा। ये सबसे बेनिफिटेबल है। अगर आप निकॉन यूजर हैं तो आपके कैमरे में ये ऑन नहीं है तो आप ऑन कर लीजिए। और सेकंड, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको जो भी निकॉन रिलेटेड या मेनू सेटिंग्स रिलेटेड कोई भी वीडियो जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे दिखाने लगेगा। और इससे आपको ये बेनिफिट होगा, अगर आपके कैमरे में कोई दिक्कत है, कोई मेनू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, वो आप एक एक वीडियो देख करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको नई वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच।